दुनिया घूमने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन अलग अलग मजबूरियों की वजह से हमें सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इस दुनिया में एक लड़की ऐसी भी है जिसने सबसे कम उम्र में पूरी दुनिया घूमने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ गाइज, उस लड़की का नाम है लेग्जी एलफोर्ड, जिसने मात्र 21 साल की उम्र में पूरी दुनिया के 196 देशों को घूमकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। गाइज, लेग्जी एलफोर्ड एक यूट्यूबर भी हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रैवलिंग वीडियोस भी अपलोड करती हैं। गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं, और ये चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से, अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया, कैसे मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको ये पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। ये बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी, कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3,00,000 इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2,17,00,000। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली, लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर आपको आपके शरीर में ताकत की कमी लगती है या फिर पूरे दिन काम करते समय एनर्जी लो सी फील होती है, तो आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको सुबह नाश्ते में अंकुरित चने लेने और फिर उसमें नींबू छिड़कना है, और फिर साथ साथ अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े डालने, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और काली मिर्च, और फिर उसे खाइए। ये नाश्ता करने पर आपको भरपूर एनर्जी अपने शरीर में फील होगी, और आपको थकावट भी कम लगेगी और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगेगी। मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बिजनेस के वारे न्यारे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ही कर दिखाया मैकडोनल्ड ने। जी हाँ गाइज, रिसेंटली मैकडोनल्ड ने बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं। क्या खास बात है इनकी, मैं आपको बताता हूं। इन क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स में दिन के अलग अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैकडोनल्ड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या भाएगा, उस पे छाया का निशान पड़ता है, और दिन में सूरज के चढ़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है। गाइज, आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में। क्या हम इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब आंकड़े सुनिए, हमारे देश की जनसंख्या है 138 करोड़, और इस 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में टोटल डीमैट अकाउंट कितने खुले हैं पता है? वो मात्र हैं 4 करोड़, और उनमें से भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हैं। यानी कि हम भारतीय शेयर मार्केट में रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राकेश झुंझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उन्होंने सन 1985 में मात्र ₹5,000 से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए है। गाइस, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।